अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अक्टूबर सन 2023 और हम इस वक्त मौजूद हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी अजीम शान बिल्डिंग है। तो आज यहाँ मौजूद होने का जो मकसद है वो ये है कि आज हम लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर चलेंगे और जो मुख्तलिफ इसके प्लेटफॉर्म्स हैं उनका विज़िट करेंगे, उनका रिव्यू करेंगे और यहाँ पे जो खाने पीने के जो स्टॉल्स हैं उनको भी देखेंगे। और फिर यहाँ पे जिन ट्रेनों का अराइवल हो रहा है और जो ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी उसको भी कवर करेंगे। तो मौसम की आज बात करें तो आज जो है वो सुबह यहाँ पे बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो अभी चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर और चल के देखते हैं कि किस ट्रेन का अराइवल हो रहा है और कौन सी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करने लगी है। तो हमारे साथ रहें, अभी चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन के बिल्डिंग के अंदर और चल के आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेन जो है वो हमें मिल सकती हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि जो लोग हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले पहुँचे आपके पास। तो अभी चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग के अंदर और चल के प्लेटफॉर्म टिकट बाय करते हैं और फिर अंदर चलते हैं और रेल फैन करते हैं। हमारे साथ नहीं जी दोस्तों, प्लेटफॉर्म पर हम आ चुके हैं और अगर हम आपको दिखाएं तो ये सामने आप मुख्तलिफ स्टॉल देख सकते हैं जो कि लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। तो अगर आपने कुछ भी परचेज़ करना हो तो आप यहां से परचेज़ कर सकते हैं। आपको यहां पे खलीफा की खताई मिल सकती है, फल लगे हुए मुख्तलिफ और मिल्क शेक भी आपको मिलेगा। फिर यहाँ पर जो मुख्तलिफ स्नैक्स हैं वो भी आपको मिल सकते हैं, स्नैक्स की शॉप्स हैं यहाँ पे और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और सारा कुछ आप यहाँ से बाय कर सकते हैं अगर आप लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आएँ। और यहाँ पे आके आप सफ़र पे रवाना होने से पहले यहाँ से अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो है वो अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो बआसानी मिल जाएंगी। मुख्तलिफ स्नैक्स हैं यहाँ पर और यहाँ पर आपको मिल्क शेक भी मिलेगा, ये सामने मैंने आपको जैसा कि पहले भी दिखाया, और खलीफा की खताई। ये सामने प्लेटफॉर्म नंबर 4 है और ये जिधर हम इस वक्त खड़े हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। तो यहाँ पे अभी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे अभी किसी भी ट्रेन का जो है वो अराइवल नहीं हुआ। तो अभी हम चलेंगे सामने एक GMCU-15 लोकोमोटिव शंटिंग ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है और रेक को लेके आ रहा है किसी ट्रेन के। तो ये सामने एक ट्रेन का रेक भी खड़ा हुआ है। तो अभी चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 और फिर उससे आगे और यहाँ पे जो मुख्तलिफ यहाँ पे एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म हो रही हैं वो आपको दिखाते हैं। और अभी थोड़ी देर में टाइम हो जाएगा 8 डाउन तेज़गाम के अराइवल का, तो उसको भी कवर करते हैं और मज़ीद भी आपको यहाँ पर विज़िट करवाते हैं। तो हमारे साथ रहिए दोस्तों। पहले हम मौजूद थे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे और इस वक्त हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। और यहाँ पे जो आप ये लगेज देख रहे हैं ये लगेज जो है वो सारा लोड होने के लिए खड़ा हुआ है 8 डाउन तेज़गाम में। जबकि अभी 8 डाउन तेज़गाम को हमने चेक किया है तो 8 डाउन तेज़गाम जो है वो तकरीबन 47 मिनट के करीब लेट चल रही है और वो तकरीबन 2 बजे पहुँचेगी यहाँ पर। तो अभी तो उसके आने में टाइम है काफ़ी, लेकिन जो मुसाफिर हैं और जो सामान है जो उसमें लोड होता है वो अपने मुकर्रर टाइम पे पहुँचे, उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जो गाड़ी है वो लेट आ रही है। और इस तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर मुख्तलिफ जो स्टॉल्स हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे अभी स्टॉल पे इतनी गहमा गहमी नहीं है क्योंकि मुसाफिर अभी नहीं आए। तो जैसे ही यहाँ पर किसी गाड़ी का अराइवल होता है तो फिर यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं इन पर रश लग जाता है। तो अभी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चलते हैं, 2 और 4 मैंने आपको दिखा दिया, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चलते हैं और उसका भी आपको रिव्यू दिखाते हैं।
दोस्तों इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर आ चुका हूँ मैं, और यहाँ पर भी स्टॉल मौजूद है, और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर भी मस्जिद मौजूद है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर भी मस्जिद मौजूद है जहाँ पर आप नमाज़ की अदायगी कर सकते हैं। और इस तरफ मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं जहाँ पे आप ख़रीदारी जहाँ से कर सकते हैं अपने लिए, और यहाँ पे जो मुसाफिर हैं उनका भी खासा रश लगा हुआ है, और एक ट्रेन जो है वो उसका रेक खड़ा हुआ है। अभी चलते हैं, चल के देखते हैं कि कौन सी ट्रेन है जिसका ये रेक है, और मुसाफिरों का भी खासा यहाँ पे रश लगा हुआ है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। तो अभी चलते हैं और चल के देखते हैं कि ये किस गाड़ी का जो है वो रेक खड़ा है जिसके मुसाफिर भी यहाँ पर इंतज़ार में खड़े हैं। तो अभी आगे चलते हैं और देखते हैं जाके कौन सी गाड़ी है कि जिसके मुसाफिर ऐसे बाहर प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए। दोस्तों इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर चलते चलते हम एंड तक आ चुके हैं, और जिस ट्रेन का रेक मैंने आपको बताया था कि ट्रेन खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर, वो ट्रेन कोई और नहीं बल्कि 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस है, जो कि आज खासी लेट है, और इसकी लीड पर आज लगा हुआ है ZCU 36304, जो कि इसको लीड करके लेके जाएगा आज लाहौर से कराची तक। और लेट है, आज लेट चल रही है। वैसे इसका जो शेड्यूल डिपार्चर टाइम है वो 11:45 के लगभग है, लेकिन अभी 1 बज रहा है और इस वक्त तक ट्रेन जो है वो रवाना नहीं हुई। तो अभी इसका डिपार्चर कैप्चर करेंगे जब ये डिपार्ट करती है यहाँ से। मुसाफिर जो हैं वो इसके डिपार्ट होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और ट्रेन जो है वो खासी लेट चल रही है। तो अभी देखते हैं कि ये कब डिपार्ट करती है यहाँ से। ZCU 30 लगा हुआ है 6304, और खासा लंबा रह के इसका, हम भी चलते चलते इसको देख के जो है वो इसके रेक को देखते देखते हम काफ़ी एंड तक आ गए। और दूसरी तरफ एक RG20 रेक को लेके जा रहा है, किसी ट्रेन का जो है वो रेक लेके जा रहा है ये आगे। और अभी 8 डाउन तेज़ गाम भी जो है वो भी लेट चल रही है, तो उसका भी इंतज़ार है, और देखते हैं कि वो कब तक यहाँ पे पहुँचती है। जो उसका एक्सपेक्टेड जो अराइवल शो हो रहा है ऐप के ऊपर वो 2 बजे का है। तो ट्रेन आज खासी डिले के साथ चल रही हैं, और होपफुली ये जो रेक है ये 8 डाउन तेज़ गाम की कोचेज़ हैं जो कि उसको लाहौर से अटैच होंगी। और सामने अगर मैं आपको दिखा सकूं तो एक GU40 भी खड़ा है 9005, जो कि होपफुली लीड करेगा आज 8 डाउन तेज़ गाम को। और ये उसका बकिया रेक लाहौर कोटा का, जो कि लाहौर से कोचेज़ अटैच होनी है, लेकिन अभी जो 8 डाउन तेज़ गाम है वो गुजरांवाला से निकली है थोड़ी देर पहले, मैंने ट्रैकिंग ऐप पे उसको चेक किया है, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगेगा उसको यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। और इस साइड पर प्लेस है जनाब 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस, जो कि आज लेट है, तो अभी रवाना होती है तो उसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं। दोस्तों 10 डाउन तो अभी रवाना नहीं हुई, लेकिन एक लाइट पावर ZCU 20 6402 जा रहा है, शेड से निकल कर आया और ड्यूटी पर रवाना होने के लिए तैयार है। होपफुली 7 अप तेज़ गाम को लीड करेगा। दोस्तों हेडलाइट्स ऑन हो चुकी हैं ZCU 30 6304 की, और रवाना होने के लिए बिल्कुल तैयार है। डिपार्टिंग विसल किसी भी वक्त हो जाएगा। दोस्तों डिपार्टिंग विसल आपने सुन लिया ZCU 30 6304 का, और बाला आखिर रवाना होने लगी है 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से। और आज जो है वो ट्रेन खासी डिले से चल रही है, और इसकी जो वजह है वो नामालूम ही है, क्योंकि इसका जो टाइम है डिपार्ट करने का वो
11:45 के लगभग है, लेकिन आज जो ट्रेन है वो खासी डिले से रवाना हो रही, मूव होना शुरू हो गई है जी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 से ZC30 लगा हुआ है 6304, जो कि लीड करके लेके जाएगा और डिपार्टिंग विसल आपने सुना। ट्रेन जो है वो मूव हो रही है इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, हैवी लोड है इसको और ZC30 फुल जोर लगाएगा इसको ट्रेन को खींचने में। स्टार्ट में ही लगेज वैन लगी हुई है, टोटल ये इकोनॉमी क्लास का रेक होता है 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस का। और मुसाफिर आप देख सकते हैं कि अपने प्यारों को गुड बाय कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पे छोड़ने आए हुए थे। और बाला फिर तवील इंतज़ार के बाद 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस रवाना हो रही है। इसके रेट को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है, जिस तरह बाकी ट्रेन के रेट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो इसको भी अपग्रेड होना चाहिए इसके रेट को। और एसी स्टैंडर्ड और एसी बिज़नेस का इजाफा इसमें भी होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के सनती शहर सियालकोट से ही अपने सफ़र का आगाज़ करती है, तो ज़रूरत तो है इसकी भी कि इसके रेट को अपग्रेड किया जाए और जो एसी स्टैंडर्ड और एसी बिज़नेस है वो भी इसमें इसके रेक में शामिल किया जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं उनको एक अच्छी सफरी सहूलत जो है वो मिल सके। एक डाइनिंग कार भी लगी हुई है 10 डाउन में, इसका रेट काफ़ी बड़ा है। 16 नंबर कोच गुजर रही है इस वक्त हमारे सामने से, गार्ड वैन के साथ 10 डाउन अलामा इकबाल एक्सप्रेस है वो रवाना हो चुकी है लाहौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से अपनी मंजिल कराची की जानिब। दोस्तों इस वक्त ZC20 6410 की लीड में 8 डाउन तेज़गाम आ रही है अपने शेड्यूल टाइम से तकरीबन 1 घंटा लेट, और इस वक्त अप्रोच बना रही है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। कैटरिंग का जो स्टाफ है वो आपके सामने है, वो किस तरह से इसमें सवार हो रहा है जो कि ख़तरनाक हो सकता है और किसी भी हादसे का सबब बन सकता है। पतिया रेक आपको मैं दिखा चुका हूँ तेज़गाम का, जो कि खड़ा हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 4 से थोड़ा पीछे, और अभी ये रावलपिंडी कोटा की जो कोचिज़ हैं ये भी अप्रोच बना चुकी हैं, तो अभी इस रेक को अटैच किया जाएगा लाहौर कोटा की कोचिस के साथ, और ट्रेन है वो फिर आगे रवाना होगी कराची। तो ऑलरेडी 1 घंटा लेट चल रही है 8 डाउन तेज़गाम, और इससे पहले 10 डाउन भी आपको मैंने दिखाई जो कि 1 घंटे से ज़ायद तखीर का शिकार हुई, और 1 घंटे से ज़ायद तखीर के बाद वो यहाँ से रवाना हुई। और रश आप 8 डाउन तेज़गाम में देख सकते हैं, इसमें जो रश है वो किस कदर रश है, और पुल्ली भी आप देख सकते हैं कि